जी राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सोमवार का ये व्लॉग है और बच्चे स्कूल जाएंगे तो वही मेरा डेली रूटीन, जो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, फ्रेश वगैरह होकर आ गई थी और सबसे पहले बासी झाड़ू निकाली, थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे तो मैं रात को हमेशा ही सोफ़ा वगैरह साफ़ करके जाती हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, तो वही मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। और ये वाली झाड़ू अगर आप निकाल दो ना सुबह सुबह की, फिर चाहे आप 1-2 घंटे बाद झाड़ू लगा सकते हो, क्योंकि फिर देर हो जाती है काम करने में और डस्टिंग ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने क्या करा ना, फिर मैं अंदर आ गई थी, पीहू को उठाया, पीहू चली गई थी नहाने, फिर पीहू का बिस्तर उठाती हूँ। और ये पीहू का बिस्तर लगाना पड़ता है क्योंकि अब हम एक बेड पे नहीं आते हैं। पहले तो ना जब मैं नीचे रहती थी, नीचे वाले फ्लोर पे, तो हमारा एक ही रूम था, उसी में आ जाते थे। जितना बड़ा घर उतने कम जगह, ऐसे ही होता है। इसके बाद है ना, यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करे हैं और रियांश को उठाए जा रही हूँ, क्योंकि इतने पीहू ना लेगी तो फिर रियांश भी उठकर फ्रेश वगैरह होगा, फिर मैं उसको थोड़ा सा नहला देती हूँ। ये ज़िद करता है कि मैं अपने आप नहाऊँगा, बट सुबह क्या होता है ना, देर हो जाती है, फिर ये शावर में नहाता है और मस्ती करता रहता है। इसीलिए अब मैं सीधा किचन में आऊँगी और मैं आज बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। और ये देखो उबासियाँ कैसे तगड़ी आ रही है, मतलब सुबह सुबह ना नींद आती रहती है, क्योंकि रात को मेरे को वही देर तो हो ही जाती है, 12 बजी जाते हैं, लेकिन जो मेरी आँख 6 बजे खुलती है ना, वो रेगुलर बेसिस पे खुल जाती है। अगर किसी दिन छुट्टी भी होती है ना, सच बता रही हूँ मैं आपको, 6-6:30 बजे नॉर्मली मेरी आँख खुल जाती है। और मुझे गुस्सा भी आता है कई बार तो, कि आज छुट्टी है, आज भी मैं सो नहीं पाई कि 8 बजे तक उठ जाऊँ, 7 बजे तक, नहीं 6 बजे मेरी आँख खुली जाती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ही कद्दू रखा हुआ था, क्योंकि सीताफल वही मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना, मैंने रात को प्लान किया था कि मैं सुबह क्या दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया था और ये सीताफल, नमक, मिर्ची डालकर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और मैं इसको ढक के रख दूँगी, इतने मैंने आटा गूँधा। फिर इसके बाद तो मेरा कोई काम रहता नहीं है, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था कि ये नीचे लगे नहीं, हल्का सा। और ये यहाँ पर कस कद्दू की सब्ज़ी बन गई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था और मैंने क्या डाला था, हाँ खटाई, खट्टा खट्टा मीठा बनाते हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ पूरी अच्छी लगती है, बट मैंने पराठे बना दिए थे क्योंकि पूरी बनाने में टाइम भी बहुत लगता, फिर मैंने पराठे ही बना दिए थे। और मैंने आज सोच रही थी कि एक ही पराठा दूँ, फिर भी मैंने बना दिए थे 4 पराठे, लेकिन मैंने दिए डेढ़ डेढ़ ही थे, पता नहीं डेढ़ दिए थे, नहीं नहीं 2 ही दिए थे, 4 ही बनाए थे मैंने पराठे। और यहाँ पे बस गर्मा गर्म पराठे सेक दिए। आप लोगों को मेरी लंच टिफ़िन बहुत पसंद आती है, बट जो लोग इतने बुरे बुरे कमेंट करते हैं ना, उन पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी। जल्दी से बताइए बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, कि उनके कमेंट्स के जवाब मैं सीधा आपको वीडियो पे ही दूंगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म सब्जी तैयार थी, उस पर मैंने धनिया डाल दिया था। इसके बाद टिफ़िन भी लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं फॉग और स्पून ज़रूर चेक करती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि वैसे तो मैं रात को ही रख देती हूँ, बट मैं चेक कर लेती हूँ। कई बार बच्चे ना चॉपस्टिक यूज़ कर लेते हैं, फिर वो रह जाती है, उसके चक्कर में रह जाती है टिफ़िन वगैरह। और यहाँ पे मैंने 2 पराठे रख दिए थे, इसलिए मैंने ना पतले पतले सेके थे। और मैं गुरुजी के सत्संग गई थी, कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, तो मुझे प्रसाद मिला था बिस्किट का, और मैंने बब्बू गोशा दिया था पीयू को फ्रूट में, रियांश फ्रूट नहीं खाता है बब्बू गोशा, तो मैंने उसको बेसन की गाँठियाँ दे दी थी, सेम लंच बॉक्स था, उसको भी गुरुजी का प्रसाद दे दिया था जो कि बिस्किट था। हाँ, उसको फ्रूट लंच ब्रेक में मैंने बनाना दिया था, और ये भी मुझे गुरुजी के सत्संग से ही मिला था। तो सारी ब्लेसिंग्स मैंने बच्चों को दे दिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्लेसिंग की, और गुरुजी उन पे कृपा बनाए रखे हो, और आप सब पर भी जय गुरुजी। राधे राधे सभी को। तो जी बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं, और बस अब मैं करूँगी, क्या करूँगी, सबसे पहले थोड़ी सी किचन क्लीन करूँगी, वही थोड़ा सुबह सुबह फटाफट बनाना होता है ना, तो सबसे पहले किचन क्लीन करूँगी, फिर ड्राइंग रूम में झाड़ू तो लगाती हूँ, तो मैंने झाड़ू ना सुबह वाली लगा देती हूँ, बासी झाड़ू। पूरा ड्राइंग रूम अच्छी तरह डस्टिंग करके क्लीन करूँगी, अंदर के दोनों रूम क्लीन करूँगी, और वो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं, आप मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देख सकते हो, पॉसिबल हुआ तो दिखा दूँगी, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मेरा मन नहीं करता दिखाने का। आज देखते हैं क्या करेंगे, तैयारी करते हैं कुछ राखी की बच्चों के लिए। वैसे मैं जो जो लेके आई थी वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं ना। चलिए कोई नहीं, मैं पीहू के लिए लेके आई थी कपड़े
और रियांश को जितनी भी बहनें राखी बांधेंगी उनके लिए भी गिफ्ट्स लेके आए थे, तो गिफ्ट मैंने पैक कर दिए। कल तो आपने देखा ही था जिसका बर्थडे था शगुन, उसके लिए भी हम जो गिफ्ट लाए थे उसको बहुत पसंद आया। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, जब मैंने रात को आपको बाय बाय कह दी ना तो हम बच्चों को लेने गए थे, बिल्कुल पास में ही रहते हैं वो, पीछे वाली एक गली छोड़कर रहते हैं पीछे वाली गली में, तो हम पैदल उनको लेने गए थे। फिर बच्चों ने खूब क्या, हाँ बच्चे बहुत सारे बच्चे हो गए थे क्योंकि आते हुए हमने सोचा इनको उधर छोड़ देंगे, जिनका घर पहले था उनको पहले छोड़ दिया, फिर ऐसे करते हुए। और फिर हम शगुन से मिले, उसने मुझे बताया कि बहुत ही अच्छे लगे उसको गिफ्ट, और अच्छा लगता है ना जब हमारी पसंद किसी को पसंद आ जाती है। और बस अब राखी आ रही है, आप लोगों की राखी की तैयारी हो गई, मेरी तो हो गई, ज़्यादा तैयारी होती नहीं है फ़िलहाल, जितनी होती है उतनी हो गई है। हाँ लेकिन जो मुझे कुर्ता सेट पहनना है ना नायरा कट, उसका दुपट्टा नहीं आया है, शायद मैं उसके लिए मार्केट जाऊँ आज, नहीं तो कल जाऊँगी, देखते हैं जैसा भी पॉसिबल होगा ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर बताना, और जल्दी से मेरे चैनल को जल्दी 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 सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली मेम्बर्स के हर सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे बंदे को करोगे वो भी मेरी वीडियो देखेगा, उनको पसंद आएगी तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मोर, जल्दी से 10,000 करा दीजिए। और अभी 7,000 हो गए हैं, 7,000 प्लस 7,000 प्लस हो गए हैं, और फिर फटाफट जल्दी से करवा दीजिए। अरे मैंने इसके लिए बाली भी लाई थी, ये देखो मेरा ये वाला जो कान है ना ये बंद ना हो जाए, इसलिए मेरे को मेरी फ्रेंड ने पहनाए थे ये वाले, तो फिर अब इसके लिए मैं एक बाली लेके आई हूँ, बहुत सुंदर अच्छी लग रही थी मुझे, मेरे को ना क्योंकि ये पीछे पेच वाले मुझे चुभते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करो सो चुभते से हैं, तो इसलिए मैं बाली ले आई, वो मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। और बस 10,000 सब्सक्राइबर होंगे ना हमारे, फिर हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे आप सबके साथ, आप मैं लाइव भी आऊंगी आप सबका थैंक यू करने के लिए, तो जल्दी से करा दीजिए ना प्लीज़। तो जी मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में, और आप इस रूम की हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है सुबह सुबह, जो कि मैं अभी बस फटाफट करने वाली हूँ साफ सफाई की हूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे इस कमरे को क्लीन करने में, डस्टिंग विद बेडशीट को झाड़कर बिछाना, और बस फटाफट कर लेते हैं ड्रेसिंग टेबल क्लीन करनी, ये वाली टेबल क्लीन करके फटाफट मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी मैं सफाई कर रही थी और बैग खाली करा है मैंने, बैग में कुछ हैंकी लिए थे मैंने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और मुझे कॉटन के ही हैंकी पसंद आते हैं। इसके बाद ये इयररिंग्स लिए थे मैंने, जो कि मेरे को ऊपर वाले कानों के लिए लिए थे, जो ऊपर ये लिए थे मैंने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, अच्छे लग रहे थे, मतलब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। अभी तो देखो मैंने ऐसे ही लिए, गोल्ड के लेने बाकी हैं, पता नहीं कब लिए जाएंगे, ये तो ऐसे ही हैं, एडी के हैं लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के थे, तो मैं इनको ये ले लेती हूँ, जब तक वो नहीं लिए जा रहे तो यही पहन लेंगे। तो जी मैंने पहन लिए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी और मैंने आगे वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए नहीं करी क्योंकि आज मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला मतलब बुरा हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल मेरे घर के बराबर में एक भाभी रहते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और वो बहुत मतलब बच्चे छोटे छोटे 13-14 साल की उनकी लड़की है बड़ी और एक और लड़की है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती। उसके वहीं पे मैं गई हुई थी इसलिए मैं लेट हो गई, फिर मैंने ना बच्चों का स्कूल का आने का टाइम हो रहा था और थोड़ी सी मेरा झाड़ू लग गई थी, हाँ पोछा लगाना रह गया था, पोछा लगा के मैं फटाफट नहाई, उसके बाद मैंने इडली बनाई और इडली के साथ मैंने सांभर नहीं बनाया था, प्याज टमाटर की चटनी बना दी थी। तो मतलब लोगों के साथ इतना बुरा मतलब कैसे मैं मतलब काफ़ी दिनों से वो बीमार थे, उनको अटैक आया था, फिर वो काफ़ी दिन तक बीमार रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मतलब होना नहीं चाहिए किसी के भी साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे छोटे छोटे एक उम्र होती है, जैसे
भाई बच्चों की शादी हो गई फिर हो जाए, मतलब एक उम्र के बाद हो जाए ना तो उतना होता, देखो दुख तो तब भी होता है, लेकिन बच्चे अभी ना बड़े छोटे छोटे थे और 40 की लाइन में ही थे वो भी, मतलब 48 या 47 ईयर्स के होंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनका। मतलब लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, बेचारी वो भाभी कैसे मैनेज करेगी, मतलब मैं तो रूह कांप जाती है ऐसा, मतलब होते हुए देखकर मेरा तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। इडली देखते ही दीवाने हो गए हैं ये इडली के, और पीयू तो कुछ ज्यादा ही। अरे रियांश को पता है कितनी अच्छी लगती है, खेलो तो मैं इधर ही रात का चला मैंने अभी तो खाई नहीं है, ऐसा लग रहा है जन्नत फूल। मैंने अभी तो खाई नहीं है, अभी तो नहीं खाई मैंने। हाँ बोल बहुत अच्छी है, बोला भी नहीं जा रहा, बहुत यम्मी है। बच्चों के साथ मैंने इडली खाई, मतलब जब बच्चे आए ना तो मेरा थोड़ा बहुत मन लगा, और इससे पहले पीयू के पापा अभी तक आए भी नहीं थे, पीयू के पापा शाम सी को आए थे, मतलब बच्चे ट्यूशन चले गए थे उसके बाद। ऐसा है ना कि फिर पीयू के पापा के लिए मैंने सोचा चलो खाना बना देती हूँ, बच्चे वगैरह ट्यूशन चले गए थे, 3:30 का टाइम है, मैंने फिर आलू बैंगन कट करे, पीयू के पापा आए नहीं थे अभी, वहीं गए हुए थे, उन्हीं के साथ लगे हुए थे, तो मेरे को ना टेंशन बड़ी हो जाती है कि वो आ जाए तभी मैं आराम से बैठूँ, मेरा तो सांस लेना भी, मतलब मेरे ना हड़बड़ी सी हो जाती है, अंदर घबराहट सी हो जाती है कि जब आएंगे पीयू के पापा जब ही थोड़ी सांस में सांस आएगी, टेंशन हो ही जाती है, मैं हूँ ऐसी। इसके बाद ना मैंने सोचा चलो पीयू के पापा आएंगे, सुबह से उन्होंने कुछ खा नहीं रखा तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी छोक देती हूँ, साथ में मैं चावल बना दूँगी, उनको पसंद है, उनकी फेवरेट है ये आलू बैंगन चावल। तो बस यहाँ पे फिर मैं सोच रही थी पहले बर्तन भी वॉश कर दूँ, क्योंकि बच्चे खाना खा के गए थे और जो बच्चों के स्कूल के टिफ़िन थे वो भी धोने थे, बर्तन फिर हो जाते हैं दोपहर में, सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं फिर, तो मैं करती रहती हूँ बर्तन साथ के साथ, लेकिन दोपहर में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बाद पहले मैंने हमेशा से ही ना बर्तन ये खाली करती हूँ, उसके बाद बर्तन की बकेट खाली करती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोकर उस पर लगाती हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी, इसके बाद बर्तन मांजने लगी थी, और वही मेरा ये जो ट्राईपोड है ये ख़राब हो रहा है और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके बाद सारे बर्तन वॉश करने के बाद मेरा, मैं ना पीयू के पापा कल राशन का सामान लेकर आए थे, तो मैंने सोचा ये वाला जो ड्रॉर है ना ये कभी भी, मतलब डब्बे ना मैं प्रॉपर नहीं धो पाती हूँ, तो मैंने क्या करा ये वाला ड्रॉर साफ़ हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से मैंने कर दिया था साथ साथ ही। ऐसे ही करती हूँ मैं, जैसे अब किचन थोड़ी सी फिर से मैसी होने लगी है, धूल मिट्टी आती है आपको पता है, तो मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे, अभी मैं एक ड्रॉर साफ़ करूँगी, अगले दिन एक और ले लूँगी, तो इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और पीयू के पापा अभी तक नहीं आए थे और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने ये वाला काम भी ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दालों को ना हवा में, हवा लगाने के लिए रख दिया था प्लेट में, इसके बाद मैंने डब्बे अच्छे से वॉश करे थे, गर्म पानी कर लिया था, तक वैसे तो कोई चिकनाई वगैरह होती नहीं है, हाँ जो हमारे हाथ गंदे होते हैं वही डब्बों पर लग जाते हैं, तो वही गंदे हो रहे थे पहले, तो ऐसे है ना बॉक्सेस में बंद होते हैं, तो इसीलिए। अभी पीयू के पापा आ गए थे बिल्कुल अभी अभी, तो फिर मैंने उनको खाना वगैरह दिया, फिर उनसे बात ही कर रही थी कि यार ये ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी, तो भाई सबके घर में सुख शांति बनी रहे और सबके साथ अच्छा अच्छा हो। तो बस यहाँ पे सारे जो दालों के डब्बे हैं ना वो धोकर मैंने दाल ट्रांसफ़र कर दी थी, और अब तो किचन में पंखा लग गया ना तो दाल के डब्बे ना साथ साथ ही सूख गए थे, और एक दाल ऐसे सुखा, दालों को ऐसे सुखाने से ना, मतलब सुखाना इन द सेंस हवा लगाने से, दाल कभी ख़राब नहीं होती। और मैं ना देखो कम सामान मंगाती हूँ, मैं आधा आधा किलो दालें मंगाती हूँ, हाँ एक दाल है दो दाल जो मैं एक एक किलो मंगाती हूँ, जैसे अरहर की दाल हो गई और लाल वाली मसूर की दाल, बाकी मैं आधा आधा किलो मंगाती हूँ, क्योंकि फिर आप फालतू में दाल मंगा लो, अब ये तो है नहीं हम पिछड़े गाँव में रहते हैं यहीं रहते हैं, फिर मंगानी होगी हर महीने फिर मंगा लो, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी चीज़ें मंगाना पसंद करती हूँ ताकि ख़राब ना हो, मेरा तो यही मानना है कि आप चीज़ थोड़ी कम मंगाएं जिससे ख़राब ना हो। इसके बाद पूरी किचन वगैरह साफ़ कर दी थी, फिर मेरा नीचे से स्लिप गंदी हो गई थी, फर्श वगैरह फिर झाड़ू लगा दी थी सारे में, और फिर बच्चों के लिए ना रोटियां सेक के रख दी थी, क्योंकि बच्चे भी इडली खा के गए थे ना, क्या पता उनको आके भूख लग जाए, इसलिए मैंने फुलके सेक के रख दिए थे। इसके बाद आज का व्लॉग ना बस इतना सा ही था,
और मैंने भी दाल सॉरी आलू बैंगन चावल खा लिए थे। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। राधे राधे।